अब बाकी गुफे में घुस चुके हैं, आप भी ना घुसे गुफा में, यहाँ में जरूर है घुसना। आ जाओ नीचे काम से। सगीर कहाँ है? सगीर सगीर नीचे ही पहुँच गया। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वसीम खान व्लॉग्स। और आज के नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो मेरे साथ देखते रहिए वसीम खान व्लॉग्स। ये साइड में मेरा कॉलेज है NIET। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हमारे साथ आ चुके हैं हक्कू सिंगारिया। ये मेवात कल आजकल वालों की टीम पहुंच चुकी है। पीछे हक्कू सिंगारिया की गाड़ी है, अभी आपसे मिलो। राइट ले ले यहाँ से, राइट ले ले, चढ़ा दो राइट ले ले यहाँ से। भाई चढ़ भी जाएगी? चढ़ तो ना जाएगा, कैसे हमारे संग है तो चढ़ जाएगी, गाइड है। खड़ी पड़ जाती। और यहाँ से अब हमारा हेरिटेज वॉक स्टार्ट होता है। कोई दर्द ना, आसिफ शम्स भाई बहुत तेज हैं और ये लोग पीछे से हक्कू सिंगारिया अपनी व्लॉग बना रहे हैं। हाँ यही है वो बहादुरपुर चिकानी, बहादुरपुर में किला, बहादुरपुर चिकानी अलवर की तरफ है। और यहाँ पे एक किला है, हमें नहीं पता वो कैसा है, किसका है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। यही की वीडियो में देखो तुम खाते हैं। बाकी हमारी टीम पीछे आ रही है, काफी लंबी टीम है और लंबी टीम में लंबे लंबे बंदे हैं। मुझे छोड़ के हेमंत चश्मे भी है और ये ऐनक चश्मा ना, ऐनक सलमान खलील ने ऐनक लगा रखी है, वही गाना वाली ऐनक। इसी के साथ आ रहे बताएंगे। ये पीछे बहादुरपुर फोर्ट। अब बाकी गुफे में घुस चुके हैं, आप भी घुसे गुफा में, यहाँ में जरूर है घुसना। और ये है हमारे साथ बेस्ट कॉमेडियन ऑफ मेवात हक्कू सिंगारिया, जिसको आप सभी तो जानते ही हैं। सब आपका प्यार है, हम जो कुछ भी हैं सब आपके प्यार के कारण है। तो दोस्तों, आपने बहुत समय पहले एक सीरीज आती थी अली बाबा और 40 चोर, तो गाइस आप 40 चोरों को हमारे साथ देख चुके हैं। अब हम अली बाबा गुफा में जा रहे हैं, गुफा दिखाई सर दर्शकों को। बिल्कुल गिरना जाए ऊपर कदम हम ना गिरे, ना गिरे नीचे वो बन जाओ बात है। कुछ कुछ ना, ये भी हम गुफा के अंदर जा रहे हैं, बहुत ही खतरनाक, अंधेरा ही अंधेरा। बस ही तक ही। और ये गुफा बहुत ही खतरनाक है भाई, बस मजा आ रहा है। हम भी मैन वर्सेस वाइल्ड वाले बन गए और यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल। हक्कू सिंगारिया के पीछे बच्चे पागल हो चुके हैं, कह रहे भाई आज खाना भी ना खासे हम तो। दो दिन मुझे तो नहीं लगता ये, मुझे तो एक ये आवाज आ रही है।
लेकिन ये कि ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, वंडरफुल है ये, और गहरा भी अभी तो कुछ थोड़ा हो गया होगा, भर गया है पत्थरों से, तो ये पानी का बड़ा बढ़िया सिस्टम नीचे से आता है, किस तरह पानी गिरता होगा एकदम, ये तो बिल्कुल इतना बढ़िया बनाया हुआ है, पहुंच गया जुआर बोलते। तो सर एक कुआ और दिखाता हूँ आपको, इसी में है? नहीं, हाँ इसी में। अच्छा ठीक है, सलीम तुम पकड़ रखिए। ये पूरा फोर्ट है जो कि बिल्कुल ही खंडर हो चुका है, और आज तो व्लॉगिंग का बड़ा क्रेज है, हर किसी के हाथ में कैमरा दिख रहा है भाई। ये दीवारें हैं, ये कुएं हैं, एक कुआ इधर है और एक कुआ ये था, ये इधर से पानी आता था। वो अक्कू सिंगारिया फोटोग्राफी कर रहे हैं। नहीं, इधर से चढ़ जाएं क्या? ये एक और कुआ है, अल्ताफ है ना, बताया सिद्दीक साहब अच्छी तरह बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया। ये किला जिसको आंखों वाला किला भी कहा जाता है, ये बहादुरपुर का एक किला, बहादुर खान ने ही बनवाया। हेलो, वो हम कहते हैं कि पूरी तरह से सुरक्षित था ये, और दोस्ती है और दोस्ती रहेगी हमेशा ही, और ये किला जो बना हुआ है हिंदू मुसलमान संस्कृत का है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सर किशन लाल है। किशन लाल है, अच्छा अच्छा। किशन ये बताइए आप हमें थोड़े, जो आपने सुना है लोगों से, बड़े बुजुर्गों से, बड़े बुजुर्ग गांव के जो इलाके हैं जो लोग रहते हैं, अभी जो आपने बात की, ये जो है ये किला, इसके बारे में क्या क्या कहानियां हैं, यहाँ कौन लोग राज करते थे, कौन रहते थे, किन्होंने यहाँ कैसे हुकूमत की, ये जानना चाहिए, अगर आपको मालूम होती है पूछ रहे बेटा हम। अभी तीन दिन कपड़े पहने हुए गर्मी सर्दी ज्यादा लग रही है, आपसे लेकिन अगर हम तो जानते हैं गांव की क्या यादें हैं इस किले से, इस किले की गांव कैसे याद करते हैं, बात याद आपको याद हो, कब ये से जुड़ी हुई कुछ कहानियां हो वो आप जरा शेयर कर दे, अगर आपको कुछ पता हो या किंवदंती बता दीजिए, कुछ बात चल आ रही हो, बच्चों को बताते हो, जैसे आपने बताया आप अध्यापक हैं, हाँ तो आपको ज्ञान होना चाहिए, आपका ज्ञान तो बड़ा अच्छा होना चाहिए। वैसे जो अपना ये गांव है बहादुरपुर, इसकी स्थापना जो अलवर जिला है, अलवर जिले की स्थापना 1775 में हुई थी, अच्छा, जबकि जो ये अपना गांव है इसकी स्थापना 1464 ईस्वी में हुई थी, मतलब अलवर से पहले, अलवर से बहुत पहले, यानी कि 111 साल पहले। देखो अल्ताफ अलग अलग बातें आती है, कुछ 1426 बता रहा है, कुछ 1400, ये देखो मेरे पास इतिहास किताब ही, देखो ना इतिहास गाँव का, गाँव का इतिहास यार देखो, 111 साल पहले, अलवर से पहले ही, पहले था अलवर से, उससे बहुत पहले 1464 साल। अलवर जिला जब को एस्टेब्लिश किया गया होगा वो बाद में क्या होगा, गाँव तो पहले हमारे बूढ़े बटन पे ऐसी ऐसी चीज ही कि उनके जरिए इतनी ऊंची जगह पर देखो, आप नीचे देखो बहुत नीचे गांव बस रहा है, जो गांव है, मगर यहां फिर भी इतने ऊपर पानी स्टोर करने को तरीको हो, और इतने ऊपर यहां जो रास्ता हो, यहां घुड़सवारी हो गई तो घुड़सवारी को रास्ता है पूरा, तो जो राजा बाजा आ रहे, और यहाँ एक जेल टाइप में भी बना रखी है, वहां बालक गुफा बोल रहे हैं, मगर फिर भी वो रहने वहाँ की जो स्ट्रक्चर है वहां से देखो जा सके, या तो ऐसे ही कि हमलावरों के दौरान मतलब बचने के लिए, या फिर वहाँ कैदी रखे जाते थे, इस तरह के टाइप में
और यहाँ एक छोटी सी मस्जिद का भी स्ट्रक्चर है, पता नहीं मस्जिद ये, मगर वो मस्जिद पूरे स्ट्रक्चर उसका लग रहा है कि मस्जिद है, उसके अवशेष बचे हुए हैं सिर्फ अभी तो, मगर ये जिससे देखा जा सकता है कि एक पूरा यहाँ एक डायनेस्टी निवास करती थी पूरी की पूरी, और ज्यादा हम इसके बारे में पता नहीं कर पाए हैं। तो गाइस जैसा कि नीचे जो ऊपर की वह दिखे किला दिखे ये सब फोटो करवाते हुए, नहर ना नहर है ना पहाड़ है ना कोई महल है, कुछ भी ना है, बना देंगे। सगेरे फोन ले लीजिए भाई, यह है जुबैर सर नहीं आया अभी तक। सुन भाई, अभी भाई हम नीचे उतर रहे हैं और नेक्स्ट पॉइंट जो लोकेशन है वो बाला किला की रहेगी जो अलवर में है, और व्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं। कुछ नादिया के साथ मेरे सब्सक्राइबर के लिए, हाँ बिल्कुल वहाँ पे बहुत शांति है, ज्यादा कोई है भी नहीं। तो गाइस पेज है, चैनल है वसीम खान मेवाती के नाम से, वसीम खान मेवाती के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ताकि उनके आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। बिल्कुल।